दुनिया इसी के पीछे चल रही है। यार पाकिस्तान इसके पीछे बिल्कुल नहीं चल रहा, ऐसे ही है, अभी उनको पता ही मुझे नहीं है। तो जो ना समझ ही नहीं आती है कि क्या लोग हैं हम। चलिए बिल्कुल हम लाइव हो चुके हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेरी तरफ से और मेरे गेस्ट की तरफ से जो है वो सलाम। जो हमारा आज का टॉपिक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये स्पेशली उन एंटरप्रेन्योर्स और कंपनीज के लिए जो कि अपनी आने वाले टाइम के अंदर ये देख रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है, और फोर्थ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो है किस तरीके से जो आने वाले टाइम के अंदर बिजनेसेस को और कॉरपोरेट को और जॉब्स और बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा। लेकिन अभी फोर्थ जो है रेवोल्यूशन से बात करने से पहले तो ये तो हम तकरीबन 5 साल से 3 साल से सुन ही रहे थे कि जी 4.0 आने वाला है 2025 के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी को ये नहीं पता था कि 2020 के अंदर COVID-19 भी आने वाला है। तो अब ये हमें डबल जो है बेसिकली जो है चैलेंजेस को हमें देखना पड़ेगा। एक तो हम इसको देखेंगे कि COVID-19 से कैसे निपटा जाए, और उसके साथ साथ 4.0 जो रेवोल्यूशन है जिसके ऊपर तकरीबन 3 साल से 5 साल से हर बंदा डिस्कस कर रहा है कि क्या चीज है, हम सारी चीजों को आज समझने जा रहे हैं। उस सिलसिले में जो हमारे साथ आज गेस्ट हैं वो किसी जो है तारफ के मोहताज नहीं है। मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूं। इनका नाम जिब्रान बशीर साहब है। वैसे तो माशाल्लाह कॉरपोरेट के अंदर ट्रेनिंग्स के अंदर और लीडरशिप और बिजनेस कोच जो है स्किल्स के अंदर ट्रेनिंग्स के अंदर इनको हर बंदा जानता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताता चलूं कि ये जिब्रान बशीर साहब तकरीबन 16 साल से कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग की एक्सपीरियंस जो है इसके अंदर फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनकी जो है जो मीडिया पर्सनालिटी में इनका बहुत बड़ा रुझान है। एज ए ट्रेनर, ये कॉर्पोरेट ट्रेनर जो है बहुत अरसे से ये मुख्तलिफ कंपनीज को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और साथ साथ कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं एचआर के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर। साथ साथ इन्होंने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से अपना एक जो है एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है जो कि लाहौर के अंदर इसकी जो ऑफिस है और लोकेटेड इसका ऑफिस लोकेटेड है। इसके साथ साथ इनकी जो है एक बहुत बड़ी एक मैं तो मुझे तो इतनी चीजें इनके बारे में पता है कि अगर मैं बोलता भी शुरू करूँ तो 2 घंटे भी कम पड़ जाए। इसके अलावा इनकी ये एक अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं जो कि एक पॉलिटिकल जो है एक मूवमेंट है जिसको ये ह्यूमन जो है वो सर थोड़ा सा बताइएगा वो क्या था। पाकिस्तान पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट पार्टी, पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से भी ये अपनी एक पॉलिटिकल जो है एक एसोसिएशन चला रहे हैं। मजीद जो मैं जानना चाहूंगा जिब्रान साहब से, क्योंकि एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है इनके काम की इनके क्लाइंट्स की, तो सर आप थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको वेलकम कहूंगा। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी मच। आपने, और थोड़ा सा सर हमारे बारे में जो जो हमने अभी डिस्कस किया है मैंने आपके बारे में, उसको आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें प्लीज। श्योर जी, मेरा जो ब्रीफ प्रोफाइल है, आई एम बेसिकली मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, लीडरशिप एंड बिजनेस कोच, एंड एज वेल एज ऑथर एंड रिसर्चर। ये तो एक ब्रीफ प्रोफाइल हो गया। और मैं कोई अब तक 130+ ऑर्गेनाइजेशंस की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो है वो कर चुका हूँ, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स और स्टाफ डेवलपमेंट पे हम लोगों ने काम किया है, नंबर वन। नंबर सेकंड इज दिस के अदर देन आई हैव ट्रेन्ड 28,000+ प्रोफेशनल्स, और ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर्स लेवल के ऊपर हैं, एंड प्लस 300+ CEOs की मैं एग्जीक्यूटिव कोचिंग, या जिसको हम लीडरशिप कोचिंग कहते हैं, मैं वो करवा चुका हूँ। सो दिस इज द ब्रीफ प्रोफाइल, एंड अदर देन दैट आई हैव रिटन 2 books, वन इज ऑन लीडरशिप एंड अदर वन इज ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये जो भी आप पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट पार्टी की बात कर रहे थे, दिस इज माई अनदर मूव के पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए है जो पाकिस्तानियों की डेवलपमेंट पे बात करे, यानी उनकी एजुकेशन, हेल्थ और इनकम के लिए काम करे। तो ये भी एक मिशन जो है वो मैं अब लेकर चल रहा हूँ। तो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सही, माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह जिब्रान साहब, आपको मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि मैंने भी आपसे ट्रेनिंग ली हुई है, और एक कंपनी के अंदर जो है मैं बैठा हुआ था जब मैं जॉब करता था। ये बात है कोई 2013 या 14 की बात है कि एक कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, बहरहाल
तो मैं उसमें एज ए जो है ब्रांड मैनेजर बैठा हुआ था, तो आप आए थे और आपने उस पूरी कंपनी का जो है वो एचआर का सिस्टम भी डिजाइन किया था, और आपने मेरा बल्कि इंटरव्यू भी किया हुआ है, अगर आपको याद है कि नहीं है तो जी बिल्कुल आपको यार, याद है। अच्छा चलो ठीक है, शुक्र है आपको याद है। तो उसके बाद फिर आपने जो है वो ट्रेनिंग भी दी थी, तो मैं तो आपको सर तब से जानता हूँ जब मेरा करियर का स्टार्ट था। और माशाल्लाह जितना कुछ आप नाजरीन जो जिब्रान साहब ने अभी तक बताया, मेरे ख्याल से एक पूरी लिस्ट है जो कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर हम इस 2 घंटे के सेशन में भी अगर उनको डिस्कस करते रहे तो वो कम नहीं होगा। और जितनी कम एज में आपने माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट्स की है, ये वाकई जो है आपके ऊपर एक तो ब्लेसिंग्स है और दूसरे आपकी मेहनत भी है, नो डाउट। अच्छा अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि मेजर टॉपिक जो हमारा है बेसिकली, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि हम 4th इंडस्ट्री रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है बिजनेस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं आपसे जबरान साहब ये जानना चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को आप ये समझाएं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि ये टॉपिक क्या है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे बिल्कुल पहले ये ऐसे। 4IR यानी कि 4th इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, जिसको 4.0 भी कहते हैं, ये क्या है? थैंक यू वेरी मच आप सब कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपके इदारे ने, PNY ट्रेनिंग्स ने जितनी तेजी से तरक्की की है वो भी एक काबिले रश्क और एक इंस्पायरेशन है। माशाल्लाह आप जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं, आप इसी तरीके से आगे तरक्की करते जाइए। मैंने आपको जो है वो ग्रोथ करते देखा है, एंड इट इज वेरी इंप्रेसिव। आई मस्ट से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, नंबर वन। सर अगली बात जो है वो ये है कि मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आज मिसाल के तौर पे हम 4IR की बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल एक नई टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन आज से ग्रेंटेड कोई ज्यादा दूर नहीं, ये 1 साल या 2 साल के बाद एक ऐसा बजवर्ड होगा, एक ऐसी आप कह लें कि हर ट्रेनर के लिए, हर कंसल्टेंट के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए, वो एक पक्की नहीं होती यार, 4IR भी पक्की कह ले तो तू ठीक हो जाएगा, ये थोड़े अरसे के बाद ना ऐसी होने जा रहा है, जैसे वो नहीं था MBA या MCS या फिर उसके बाद SCO और ये फ्लास और फिर ये मैनेजमेंट, ये 4IR की टर्म भी इतनी ही कॉमन जो है ना वो थोड़े दिनों तक हो जाएगी। तो ये तो नहीं होगी तो ये नेशन जो है ना वो आगे मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसको अब लेकर चलना पड़ेगा। नंबर वन, अब ये 4IR है क्या? इसको हम कहते हैं 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या हम इसको इंडस्ट्री 4.0 भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें इसको इसके अंदर क्या है इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हिस्ट्री क्या है, ये शुरू कहाँ से हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ कहाँ से रहे हैं। तो जी इसकी हिस्ट्री ये है कि 1850 में जब एग्रीकल्चरल इरा दुनिया से थोड़ा खत्म होना शुरू हुआ, खासतौर पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर से, तो उस वक्त इंडस्ट्रीज जो है ना वो नई नई आई, नई नई फैक्ट्रीज बनी, नई नई माइनिंग्स बनी। तो उस वक्त फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए जो मेन पावर के लिए जो सोर्स था वो स्टीम थी, वाटर से आगे फिर स्टीम बनती थी और उससे पावर जनरेट होती थी और उससे जो है वो मेन फैक्ट्रीज चलती थी। तो जब ये एक दौर आया जो पहला दौर था इंडस्ट्री का, और वो इंडस्ट्री जो स्टीम से चलती थी उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री 1, या आप कह लो कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, ये पहली चीज है। फिर हुआ ये कि लेट 18 में यानी 1890 और 1900 के शुरू में सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आता है, जिसका मतलब क्या हुआ, हुआ ये कि उस दौर में फिर जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्री है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलनी शुरू हो गई। अब इलेक्ट्रिसिटी वाज द मेन पावर हब जिसके थ्रू तमाम तर फैक्ट्रीज चलती थी, और फिर उस दौर के अंदर जो फैक्ट्रीज चीजें बनी या जो चीजें इन्वेंट हुई और आगे गई उनमें बहुत मेजर, वो टेलीविजन है, वो टेलीफोन है, वो रेडियो है, वो AC है, ये वो तमाम तर चीजें हैं जो फिर एक्चुअली उस दौर के अंदर जो है वो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर आई। और उसी दौर के अंदर ऑयल एक्सट्रैक्शन हुई, उसके अलावा स्टील मैन्युफैक्चर होने शुरू हुए, ये मैं आपसे बात करूं सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। उसके बाद होता यह है कि 1940 में, mid-1940s में थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है जिसको हम इंफॉर्मेशन एज कहते हैं, यानी कंप्यूटर का दौर शुरू होता है, और फिर वो करते 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 हम इंटरनेट तक पहुंचते हैं, फिर हम लोग जो हैं वो
नॉलेज इकोनॉमी तक पहुंचते हैं, नॉलेज वर्कर्स इन्होंने शुरू हो जाते हैं। तो ये जितना एरा था, जिस एरा के अंदर हम लोगों ने, मैंने और आपने शायद अपना बचपना जहाँ से देखना शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग जब थे तो हम लोग देखते थे ओए होए वो नया जो है वो 286 आया है, 386 आ गया है, अब पेंटियम 4 आ गया है, अब विंडोज 95 आ गई है। तो वो हमारे लिए उस वक्त दुनिया एक तरह से बदल रही थी। अब वो चीजें बहुत अब 80s और 90s में चेंज हो रही थी। तो 1940 से 1945 से जो ऑनवर्ड एक इंफॉर्मेशन एज का आगाज हुआ, उसकी पीक कहीं पर जाकर 90s में आनी शुरू हुई, तो हमने उसको देखा, ठीक है। और मुझे याद है कि जो हमारे पेरेंट्स थे वो कहते थे बच्चे सारा दिन की डब्बे विच घुसे रहते ने, पता नहीं होते की करते रहते ने, ठीक है। अच्छा, तो अब हुआ ये कि अब वो दौर बढ़ते 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 डिजिटलाइजेशन और डिफरेंट चीजों की तरफ मूव करना शुरू हो गया। अब हम यहाँ पर खड़े थे, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर खड़े थे। लेकिन फिर सन 2010 से ऑनवर्ड, 2011 से ऑनवर्ड चीजें अब एक और मूव लेना शुरू हुई। वो जो मूव लेना शुरू हुए उसको एक्चुअली 2016 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और उसके चेयरमैन ने, उसके फाउंडर ने एक्चुअली जो इस नई मूव को फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया। और उसने कहा कि अब हम डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटलाइजेशन से भी आगे जा चुके हैं, जहां पर फिजिकल, डिजिटल और उसके अलावा बायोलॉजिकल, इन तीनों चीजों का एक फ्यूजन बन गया है। और अब इस फ्यूजन के साथ ये दुनिया आगे बढ़ेगी, और अब जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बिजनेसेस हैं और जो सोसाइटीज हैं, जो जॉब्स हैं, वो अब नई टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग भी चलेंगी। अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल आप थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते थे, हम ईआरपी की बात करते थे, हम इंटरनेट की बात करते थे, हम गूगल सर्च इंजन की बात करते थे। और क्या ये, और ये सारे के सारे टूल्स हम बिजनेसेस में यूज करते थे ना, ये सारे के सारे टूल्स हम अपनी लाइफ में यूज करते थे, अपनी एजुकेशन में यूज करते थे। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, अब हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो दाखिल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब हम नई टेक्नोलॉजीज पर मूव करेंगे। अब हमारे बिजनेसेस में, हमारी जॉब्स में और हमारी लाइफ में किन चीजों की इंटरवेंशन होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसको हम एआई बोलते हैं, यानी मशीन्स अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करेंगी, मशीन डिसीजंस खुद लिया करेंगी उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, नंबर वन। नंबर सेकंड इज दिस रोबोटिक्स, अब रोबोट्स काम करेंगे बहुत सी जगहों के ऊपर जो पहले कभी नहीं करते थे। मिसाल के तौर के ऊपर कि ओनली इन यूएस बाय एंड ऑफ द 2020 इस वक्त 30 लाख रोबोट्स जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जो रिप्लेस कर रहे हैं मैन पावर को, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वी आर गोइंग टूवर्ड्स, अभी हम क्रिप्टो करेंसी और इस सारी चीज को आज से कई साल पहले तक जो 2008 में आई तो हमने उस क्रिप्टो करेंसी या जो जिसको हम ये बिटकॉइन वगैरह कहते हैं, हम इनको जो है वो इलीगल समझते थे या अभी भी बहुत से ममालिक में समझा जाता है। लेकिन अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ये भी तमाम तर चीजें जो हैं ये अब हमारी आगे जिंदगियों का हिस्सा बनने जा रही हैं, जो डिजिटल करेंसीज है। देन फिर उसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये तमाम तर वो चीजें हैं जो अब हमारी लाइफ का पार्ट होंगी, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर लेस कार्स अब ये भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो कुछ हो रहा है ये हो सकता है कि आज से कुछ सालों पहले तक फिक्शन की बुक्स में होता हो, ये हो सकता है आज से कुछ सालों पहले तक ख्वाब में नजर आता हो या फिल्मों में हॉलीवुड की नजर आता हो, लेकिन अब ये अब हमें रियलिटी में नजर आना शुरू हो जाएगा और कई जगहों पर नजर आ भी रहा है। तो ये जो सारी टेक्नोलॉजीज है ना सर, इन तमाम टेक्नोलॉजीज को अब हम 4IR कहते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजीज अब बिजनेसेस में, जॉब्स पे और लाइफ पर इंप्लीमेंट होने जा रही हैं। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ फोर्थ इंडस्ट्री। आपने जो है ना आंसर दिया और इतना डिटेल में आंसर दिया है कि यकीन करें कि मुझे भी नहीं इतना जो है चीजों का पता था, मैं खुद आईटी का बंदा हूं। तो आप आईटी को, टेक्नोलॉजी को मेरे से बेहतर जानते हैं, मैं तो इस वक्त बड़ा ना नप्पे तुले अल्फाज यूज कर रहा हूं, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मास्टर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमारे मेंटोर हैं और आप ही रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्योंकि देखिए अब तो कोविड 19 का भी एक सिलसिला शुरू हो गया, जो कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले
किसी को भी नहीं पता था, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जानता था कि इस तरह की कोई बला आने वाली है या इस तरह का कोई वायरस आने वाली जी है। अब सिचुएशन ये बन चुकी हुई है कि हमारे पास दो चैलेंजेस है। अब हमने बोर्ड को भी अच्छा यहाँ पर है ना, थोड़ा सा मैं जिब्रान सर अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लाजमी लाजमी बिल्कुल एक्सपीरियंस ये है आपके साथ जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ और व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो उसकी है ना एक फैक्ट्री थी और उसके पास तकरीबन अच्छा खासा जो है ना वो लेबर काम करता है। वो गया हुआ इंटरनेशनल विजिट के ऊपर, वैसे ही जो है ना मुख्तलिफ लोगों से मिलने और इस तरीके से कोई गपशप करने और जरा विजिट करने, लोगों को देखने किस इंडस्ट्रीज कैसे काम कर रही है और जरा सैर तफरी करने। वो मुख्तलिफ कंट्रीज का उसने विजिट किया, एक जगह पे एक कंट्री में गया। वो मुझे उसने मुझे अपना खुद एक्सपीरियंस शेयर किया। कहता है कि मैं वहां पर जाकर बैठा और वहां पर तकरीबन कोई 10 उसी इंडस्ट्री के ऑनर आए हुए थे और उन्होंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में ये बनाया कि बताया गया कि आपके पास कितने कितनी लेबर या एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो उस लिस्ट पे इसने भी अपना नाम लिखा और इसने अपना आगे एम्प्लॉयज लेबर जितने भी हैं वो डाल दिए। वो सारे जितने भी गोरे थे ना वो खड़े हो गए, तो लिस्ट जब उनके सामने गई वो खड़े हो गए और उन्होंने उनको देखने लग गए कि यार ये कौन बंदा है, आवाज ही तो सामने है। कहते यार हमारे पास तकरीबन 5 या 10 से ज्यादा लेबर नहीं, आपके पास 400 लेबर है, आप कैसे मैनेज कर रहे हो इस तरीके से। बहरहाल जब पता चला तो एंड पे जब स्टैट सामने आए तो ये जो मेरा पाकिस्तानी दोस्त था जिसके 400 जो एम्प्लॉय थे, लेबर थे एम्प्लॉय, वो उस जगह में बैठे हुए 10 बंदों में सबसे आखिरी नंबर पे था जिसमें जो वो प्रोडक्शन वाइज रेवेन्यू जनरेट। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक मुझे जब उसने आगे कहता है कि पहले तो उन्होंने मुझे बहुत हैरान होकर देखा और जब मैंने हमने अपना रेवेन्यू और अपनी प्रोडक्शन शेयर की तो मैं उनके 10% भी उनके पास नहीं फड़कता था जिनके पास 5 से 10 एम्प्लॉयज भी थे, मैं शायद उससे भी 50% कम था। तो ये मेरा यही अब बेसिकली अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब तो अभी तो बहरहाल ये हाल हो चुका हुआ है हमारा, लेकिन अब COVID-19 को देखते हुए और ये 4.0 को देखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अब हमारे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपने जो स्टोरी बताई है इससे बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है कि अगर हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज बेतहाशा लगाए हुए हैं और हमारी आउटपुट उन रिसोर्सेज से कोई नहीं निकल के आ रही है, तो फिर ये हमारे बिजनेसेस को अब सोचना होगा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। और मैं जितनी भी कंसल्टेंसीज कर रहा होता हूँ वहां पर यही चैलेंज जो आपने जो स्टोरी की सूरत में बताया है ना, ये यही चैलेंजेस सारी ऑर्गेनाइजेशंस फेस कर रही हैं पाकिस्तान की। और यही वो वजह है कि हम एक्सपोर्ट के अंदर इस वक्त आउट ऑफ 120 कंट्रीज इस वक्त 69th नंबर के ऊपर है, बहुत नीचे हम एक्सपोर्ट में। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि COVID-19। देखिए, बात क्या है कि COVID-19 जो है इसके ऊपर बहुत बहस है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, लेकिन ये बात फॉर श्योर है कि COVID-19 4IR को, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक्सलरेट करने और उसको स्पीड देने के लिए आया। ठीक है, या तो ये बहुत प्लान्ड वे में स्पीड देने के लिए आया है, या फिर जो है ये एक नेचुरल एक ऐसी चीज कुदरती तौर पर बनी है कि ये COVID-19 जो है ना ये पुश करेगा 4IR को, कि जो 4IR पहले कॉमन होना था 2030 2040 के अंदर जाके, वो अब आपको अगले 1 2 3 सालों के अंदर ही नजर आना शुरू हो जाएगा। नंबर वन, क्यों नजर आना शुरू हो जाएगा उसकी वजह बता देता हूँ। COVID-19 का एक्चुअली स्लोगन क्या है, COVID-19 क्या कह रहा है? COVID-19 पूरी दुनिया में एक मैसेज दे रहा है, विच इज बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग, या जिसको हम एक्चुअली फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं। द फिजिकल डिस्टेंसिंग मीन्स के जी लोग जो है वो अब एक दूसरे से दूर दूर रहें और आपस में कम मिलें। अब इसका मतलब ये है कि गैदरिंग्स भी कम से कम हो। अब वो गैदरिंग्स कहाँ पर होती हैं? मेनली वो गैदरिंग्स बिजनेसेस के अंदर होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, मार्केट्स के अंदर होती हैं। ठीक है, इकोनमी जहाँ से रन हो रही होती है वहां पर पीपल गैदरिंग्स होती हैं। तो COVID-19 का जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो नारा है ना, उस नारे को 4IR एक तकवियत दे रहा है, क्योंकि 4IR जो है वो हर जगह से ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है और ह्यूमन के साइज को कम कर रहा है। तो अब होना क्या है कि जो पाकिस्तान की भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
वो जो उन्होंने 4IR की टेक्नोलॉजीज को 2030 में या 40 में जाकर एज अ फैशन के तौर पर अप्लाई करना था, अब अगर उन्होंने सर्वाइव और रिवाइव करना है तो उनको अगले 2 से 3 सालों के अंदर बाय हुक और बाय क्रोक मजबूरी के तौर के ऊपर ही 4IR की टेक्नोलॉजीज को इन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि अगर कोई स्पिनिंग कंपनी है, स्पिनिंग मिल है, या कोई गारमेंट इंडस्ट्री है, या कोई और इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, अगर अब वहां पर जैसे ही लेबर इकट्ठी हो और वहां पर कोविड के केसेस ढा 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 बढ़ने शुरू हो जाएं, तो अब वो मिल तो बंद नहीं होनी। मिल तो कहती है मैंने काम करना है, धागा बनाना है, धागा बनाना है तो कपड़ा बनना है। तो अब क्या किया जाए? अब अगर मिल बंद नहीं होनी, बिजनेस वो चलना है, धागा बनने का बिजनेस चलना है, तो अब उसके लिए फिर होना क्या है कि प्रोडक्शन फ्लोर्स के ऊपर मशीनों को ऑपरेट करने के लिए रोबोटिक्स आएंगे, मशीन जो है या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर चलना शुरू होंगी। और यहाँ के जितने भी सेठ हजरात हैं, सीईओज हैं, उनको R&D करनी पड़ेगी और इस तरह की मशीनें जो हैं वो लेकर आनी पड़ेंगी, उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उन्हें बैंकों से, बेशक वो लोन लेकर लाना पड़े, लेकिन मैं आपको ये फॉर श्योर बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, जो मैं आजकल डिफरेंट इंडस्ट्रीज की कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, कि उनकी सर्वाइवल के लिए अब 4IR टेक्नोलॉजीज जो हैं वो जरूरी हो गई हैं। और उसके पीछे जो पुश है बहुत बड़ी, वो COVID-19 का नारा है, विच इज फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो ये ना मैंने सारी चीजें आपस में आपको कनेक्ट करके ऐसे बताई हैं कि हमें एज अ नेशन अब इन सारी बातों के कनेक्टिंग डॉट्स जोड़ने हैं, और हमें ये देखना है कि ये असल में हमारे साथ हो क्या रही है पूरी दुनिया के साथ, ये समझना पड़ा जरूरी है। पॉइंट डाला है कि ये तो अब तो मतलब मुझे भी इसने टेंशन में डाल दिया कि ये डॉट्स वाली जो आपने बात की है, पहले ये कहा जा रहा है मैन मेड, ये इसके ऊपर बड़े ज्यादा मिथ आ रहे हैं, और ये तो वाकई अब उसी तरफ चल रहा है कि ये तो 4.0 को बूस्ट कर रहा है, ये नारा एग्जैक्टली 4.0 को बूस्ट कर रहा है बेसिकली, कि जो चीजें 5 साल बाद आनी है वो 5 साल पहले आ जाए। एग्जैक्टली अब मैं आपको बात बताऊं, देखें पता है क्या बात है, हम लोग ना, हम वो नेशन है जो चीजों को ना बहुत ऊपर से देखते हैं, सतही सोच रखते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। हम इस वजह से इसी इस वक्त बहुत पीछे हैं। देखें बात क्या है, अच्छा अब आजकल ना एक अजीब सी डिस्कशन चल रही है, ये जी जो लोग कोविड के मतलब ये कहते हैं कि ये साजिश है और कोविड तो कोई चीज है ही नहीं और असल में तो सब कुछ, तो ये ऐसा नहीं है, देखे ना इतने लोग बीमार हो रहे हैं। अब कुछ लोग ये प्रूफ करने के ऊपर हैं कि कोविड साजिश है, कुछ लोग ये प्रूफ करने के ऊपर हैं कि कोविड साजिश नहीं है, देखें इतने लोग बीमार तो हो रहे हैं ना तो उसका मतलब है कि कोरोना एग्जिस्ट तो करता है। मैं ये कहता हूँ भाई, ये दोनों ही बहसें नहीं है, छोड़ दें ये बच्चों वाली बातें, असल बात ये है कि COVID-19 कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है तो लोगों की डेथ भी हो रही है, लोग बीमार भी हो रहे हैं, आज 85,000 केसेस भी आ गए हैं पाकिस्तान में, चाइना को हम क्रॉस कर गए हैं। लेकिन बात ये है कि वो कोरोना एक अपनी हकीकत है, लेकिन वो कोरोना आया कहाँ से है? दिस इज अ प्लान, मेरे नजदीक जितनी मैंने स्टडी की है, ये एक प्लैंड वे में पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लाया गया है, और उसको इसलिए ही लाया गया है कि 4IR को एक्सलरेट करके जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको दुनिया के ऊपर जो है वो फैलाया जाए, और जो अब पूरी जो दुनिया है उसको जो मैनेज और कंट्रोल किया जाए वो डिजिटलाइजेशन के जरिए किया जाए। प्रॉब्लम ये है कि वी एज अ पाकिस्तानी इतनी डिटेल में जाकर, और वो जो स्टीव जॉब्स कहता था ना कनेक्टिंग द डॉट्स, वो हम कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं करते, जिसकी वजह से हम पूरी पिक्चर को देख नहीं पा रहे होते। तो आज एक बड़ा अच्छा एक सेशन मेरा और आपका हो रहा है, जिसके प्लेटफॉर्म से अगर ये दुनिया या लोग जो है अगर इसको देखें, इसकी रिकॉर्डिंग आगे सुने, तो उनको समझ में आए कि ये क्या। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने बहुत प्यारी बात की है, और ये जो इस क्वेश्चन के बाद तो मेरी भी आंखें खुल गई हैं सीरियसली, कि ये चीजें हो और किस तरफ जा रही है और हो क्या रहा है हम लोगों के साथ। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ये बताएं कि इस ओवरऑल का 4IR का जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं, कि जाहिर बात है लेबर भी कम होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ओवरऑल इसका बिजनेसिस पे इम्पैक्ट क्या होगा? क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट नॉर्मली आएगा? क्या मुझे ये कहना चाहिए कि जो है जॉब्स और कम हो जाएंगी या इससे अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी? मतलब ये फिर जबरान साहब के जो बैलेंस है, एक बैलेंस है,
ये ह्यूमन का और बोर्ड्स का, तो इसको कैसे करेंगे बिजनेस? अगर देखिए मैंने तो 400 बंदे को निकाल के 10 बंदा रख लिया, मेरी एक पूरी फैक्ट्री 2 लोग चला रहे हैं, तो वो जो बाकी लोग हैं, वो जो लेबर है, वो कहाँ जाएगी? और इसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे कैसे आएगा और ओवरऑल इकोनॉमी पे कैसे आएगा? कि बड़ा ही पेनफुल क्वेश्चन भी है ये. ये एक तरफ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, ऑन द अदर हैंड पेनफुल क्वेश्चन है. ठीक है, मैं इसको पार्ट बाय पार्ट इसका आंसर करता हूँ. सबसे पहले हम जो है ना वो ये देखते हैं कि 4IR का बिजनेसेस पर क्या इम्पैक्ट है. तो देखें, बड़ा वो तो हमने अभी पहले ही बात कर रहे हैं कि क्योंकि 4IR की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो अब बिजनेसेस को ऑप्ट करनी ही पड़ेंगी, नंबर वन. अब 4IR के अंदर दो तरह के बिजनेसेस बनेंगे. ठीक है, एक वो बिजनेसेस हैं जो टिपिकल बिजनेसेस हैं, जो कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं, जिनका कोई ताल्लुक डिजिटलाइजेशन के साथ नहीं है. यानी कोई मेडिसिन बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई जो है वो वैसे कोई सर्विसेज दे रहा है, वो कोई IT कंपनी नहीं है. लेकिन उन कंपनीज को अपनी अब सर्विसेज को देने के लिए, उनको कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए 4IR की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका सहारा, उनकी सपोर्ट लेनी होगी. एक, उसके बगैर ऑर्गेनाइजेशंस मूव नहीं करेंगी. और दूसरा दूसरा ये है कि 4IR के परस्पेक्टिव में अब टेक स्टार्टअप्स यानी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो है ना वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे. अब टेक स्टार्टअप्स को लेकर आपको नजर आएगा कि डिजिटल बिजनेसेस और डिजिटल बिजनेस लीडर्स बहुत ज्यादा जो है वो इन होंगे, जो अब इन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने या इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस करेंगे. ठीक है, तो ये दो तरह की अब बिजनेस वर्ल्ड्स जो है ना वो अब डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी. एक बात, अब इसके अंदर वो जो ऑर्थोडॉक्स बिजनेसेस हैं या जो ऑलरेडी प्रोडक्शन ओरिएंटेड या सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, उनके जो CEOs हैं, उनके लिए एक और कॉन्सेप्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंट्रोड्यूस करवा दिया. देखिए, ये दुनिया बहुत आगे की है. हम तो, सॉरी टू से, मैं अक्सर कहता हूँ तो अपनी ट्रेनिंग्स में, हम तो ना बैठ के झनकना बजाते हैं. उससे आगे की चीज ही नहीं है. देखिए, बकायदा कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है लीडरशिप 4.0. इसके ऊपर भी किताबें लिख दी गई हैं. और वो लीडरशिप 4.0 ये है कि जो कंपनीज के CEOs हैं, डायरेक्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप ड्रीमर्स हैं, उनकी थॉट, उनकी पर्सनैलिटी, उनका नॉलेज और अब उनका एक्सपीरियंस वो बिजनेसेस को रन करने के लिए कैसा होना चाहिए. और अब जो लीडरशिप की स्टडीज हैं उनके अंदर बार बार ये बात आ रही है कि बिजनेस लीडर्स को जो ट्रेन किया जाए और जो उनका स्किल सेट बनाया जाए, वो ये बनाया जाए कि उन्होंने अपने बिजनेसेस के नए बिजनेस मॉडल्स क्या क्रिएट करने हैं और अपने बिजनेसेस को 4IR के साथ कैसे कनेक्ट करना है. तो जो इस तरह की लीडरशिप डेवलप होनी है ना, उसको हम लीडरशिप 4.0 बोलते हैं. तो पहली चीज तो ये है कि बिजनेसेस में इम्पेक्ट क्या आना है, के डिजिटलाइजेशन होनी है. नंबर टू ये, वो कैसी होगी, कि लीडर्स अगर रेडी होंगे मेंटली तो तभी वो कर सकेंगे. एंड द नंबर थर्ड इज दिस, के वो कैसे रेडी होंगे लीडरशिप 4.0 की ट्रेनिंग्स के जरिए. ये तो है एक बात. उससे अगली बात ये है कि बिजनेसेस के अंदर दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनफैक्ट तीन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. वन इज मार्केटिंग, सेकेंड इज द ओवरऑल सप्लाई चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट, एंड द थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्स यानी टैलेंट. ठीक है, तो ये तीन तीन मेन एलिमेंट्स हैं, मार्केटिंग, सप्लाई चेन एंड टैलेंट. इन तीनों को लेकर, सॉरी सर, और IT में कौन से होंगे? और IT तो, आईटी तो अब टोटल, आईटी तो अब कोई एक पार्ट थोड़ी रह गई है. अब तो डिजिटलाइजेशन उसको पूरे को अम्ब्रेला के तौर पर लेगी ना. अब तो आप समझें कि ये तो अब टोटेलिटी है. हमारे व्यूअर्स दूसरा भी डिपार्टमेंट देखते रहे हैं, क्योंकि इनके लिए बड़ा लकी टाइम है कि वो आपसे टाइम हमारे थ्रू ले रहे हैं. तो IT का भी मैं जानना चाहता कि आप लोग IT के बारे में भी साथ साथ बता दें. मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी उस तरफ आ रहा हूँ. जिस वक्त मैं जॉब्स के ऊपर आऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि अब IT प्रोफेशनल्स किस तरह से अपने आप को इवॉल्व करेंगे. मैं भी उस तरफ भी इंशाल्लाह आ रहा हूँ. अच्छा, तो अब ये जो तीन मेन फैसेट्स है ना, आप इसके अंदर देखें, मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर शिफ्ट हो रही है. आप माशाल्लाह PNY ट्रेनिंग्स वाले वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोर्सेज करवा रहे हैं. ठीक है, और इंटरनेशनली सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग लीडर्स के नाम से कोर्सेज हो रहे हैं. एक बात, डिजिटल मार्केटिंग ही नेक्स्ट जो है फ्यूचर है
कंपनीज का मार्केटिंग के एंगल से, नंबर वन बिजनेसेस में, नंबर टू सप्लाई चेन. सप्लाई चेन का नया नाम है इंटेलिजेंट सप्लाई चेन, ISC. इंटेलिजेंट सप्लाई चेन का मतलब यह है कि ओवरऑल प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, वेयर हाउस, स्टोर्स, लॉजिस्टिक्स, इन सारों के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सप्लाई होने जा रही है. तो जब इस पूरी सप्लाई चेन के ऊपर जो है वो इंटेलिजेंस लग रही है तो इसको हम इंटेलिजेंस सप्लाई चेन कह रहे हैं. और ये इसके ऊपर भी डिफरेंट बुक्स लिखी जा चुकी हुई है, लेकिन माशाल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी पाकिस्तानी कंपनी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर सप्लाई चेन पढ़ाई जाती है, वहां पर अभी इंटेलिजेंट सप्लाई चेन का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता. अच्छा, ठीक है, ये हाँ जी, ये अब कोई कहानी नहीं है अभी इस बात के ऊपर कि इसको भी देखना है. अच्छा, फिर उसके बाद जो है अगर हम आ जाते हैं HR के ऊपर, तो HR के ऊपर भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आ गई है, उसको भी उन्होंने टाइटल दे दिया है HR 4.0, कि अब हमने जो है वो किस तरह का टैलेंट प्रोड्यूस करना है कि 4IR के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशंस ने चलना है तो अब वहां पर मैन पावर किस तरह की होगी, और अब जो HR डिपार्टमेंट के नए फंक्शंस होंगे, नए रोल्स होंगे, वो क्या होंगे टू डेवलप द टैलेंट इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये देखें, ये है बिजनेस के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है. और इसके ऊपर अब बहुत कुछ इंटरनेशनली तो पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर अभी जो है वो साइलेंस एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान के अंदर. तो ये सर, ये तो था वो आंसर कि किस तरीके से 4IR बिजनेसेस पे इम्पैक्ट डालेगा. अब आपका एक और क्वेश्चन का एक पार्ट था कि ये जॉब्स के ऊपर क्या डाल रहा होगा, और जॉब्स, और फिर उसके बाद आपने IT का भी एक सवाल किया. तो अब उधर Forbes.com वेबसाइट है, उसके अकॉर्डिंगली अगले 5 सालों में 35, ये पहले तो मैं आपको ये थोड़ी सी अब एक टेंशन वाली खबर है, लेकिन अब मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, अगले 5 सालों में 2025 तक 35-50% जॉब्स ड्यू टू 4IR जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे. अच्छा, एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब एक वक्त था, आपको याद होगा कि जब ऑर्गेनाइजेशंस में ERP अप्लाई होता था या जब कोई पे टेक्नोलॉजी आती थी तो चेंज मैनेजमेंट का वक्ता पड़ जाता था. लोग कहते थे वो एक्सेल की शीटें ही ठीक है, या टाइपराइटर ही ठीक है, या वर्ड ही ठीक है, ये ERP पर नहीं जाना. ठीक है ना, तो लोगों की जॉब जाती थी उससे. अच्छा, पाकिस्तान में तो अभी भी ERP ठीक तरीके से अप्लाई नहीं होता, वो तो एक अलहदा इशू है. लेकिन मामला ये है कि अब होने क्या जा रहा है कि अब ऑर्गेनाइजेशंस जब इसी तरीके से जब बिजनेसेस जो हैं वो 4IR पर जाएंगी, जो मैंने भी जिक्र किया, तो ऑब्वियसली फिर जॉब्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा. जॉब्स के ऊपर इम्पैक्ट ये आएगा कि जितनी भी क्लैरिकल जॉब्स हैं, एक जितनी क्लैरिकल जॉब्स हैं वो 4IR के अंदर से रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि वो सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से रिमूव होनी है. जितनी भी लेबोरियस जॉब्स हैं, लेबर बेस्ड जॉब्स हैं, वो भी सारी रिमूव होंगी. नंबर टू, तो क्लैरिकल जॉब्स एंड लेबर बेस्ड जॉब्स, ये दोनों जॉब्स 4IR से हिट होनी है. ये एक क्रूअल रियलिटी है, लेकिन अब हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, बट इट इज. ठीक है, और ऊपर से तड़का मैंने आपको पहले बता दिया है, वो COVID-19 ने लगा दिया. ठीक है, अच्छा जल्दी जी, सॉरी, जो लेट आना था वो जल्दी आ जाएगा, वो जल्दी आ गया. अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि अब वो ये वाली जॉब्स तो खत्म हो रही हैं, अब अगली भी एक और बड़ी हैरानी की बात है, वो प्रोफेशंस आज से 10-20 साल पहले, 30 साल पहले मेरा मुंडा डॉक्टर बनेगा, मेरा मुंडा वकील बनेगा, ये जो चीजें थी, या जो इंजीनियर बनेगा, ये भी कहानियां खत्म होती जा रही हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो मेडिकल साइंसेज है उसकी भी डायनामिक्स बदल रहे हैं. डॉक्टर्स की तादाद कम होती जाएगी, AI ज्यादा लेती जाएगी. लॉयर्स की तादाद खत्म होती जाएगी, AI और रोबोटिक्स ज्यादा उसको लेते चले जाएंगे. तो ये वाली भी प्रोफेशंस जो है और इनसे रिलेटेड जॉब्स भी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएंगे. अच्छा, ये तो है वो जॉब्स जो खत्म होने जा रही हैं. अब अगली बात ये है कि वो कौन सी जॉब्स हैं जो इन होने जा रही हैं. उन जॉब्स के अंदर देयर इज बेसिकली खुशखबरी फॉर द IT प्रोफेशनल्स, खास तौर पे वो लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड के ऊपर हैं.
अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो अपने नॉलेज को इनहांस करते जाएंगे और वो अपनी स्टडी को इस एंगल से देखेंगे कि यार ये जो 4IR की टेक्नोलॉजीज में जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं और जो नई लैंग्वेजेस हो रही हैं, अगर उनकी स्किल्स उसके ऊपर इनहांस होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने लगे. नंबर वन. नंबर सेकंड इज दिस, वो लोग जो डेटा एनालिस्ट होंगे, जिनकी जो जो जिनकी डेटा इंटेलिजेंस ठीक होगी, जो एक्चुअली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे काम करना जानते होंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करेंगे अपनी डेटा इंटेलिजेंस के जरिए, वो लोग जो है उनकी जॉब्स होंगी. नंबर टू. नंबर थर्ड इज दिस, जो प्रोसेस री इंजीनियरिंग करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, मिसाल के या जिसको हम कंसल्टेंट्स कहते हैं, प्रोसेस कंसल्टेंट्स कहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अब क्या करना है कि अच्छा यार अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर रोबोटिक्स या AI आ रही है या और इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो अब बिजनेस के प्रोडक्शन प्रोसेसेस को, प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस को और बाकी मार्केटिंग प्रोसेसेस को इन टेक्नोलॉजीज के साथ कैसे अलाइन करना है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन है ना उनको बनाने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो जॉब्स हैं वो सिक्योर होंगी. ठीक है, तो मेनली मैं अब आप और फिर वो लोग आपको पाकिस्तान के अंदर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना R&D ना R&D प्रोडक्ट में होती है, ना R&D मशीनरी में होती है, ना R&D प्रोसेस में होती है. ठीक है, लेकिन अब होता ही नहीं है, कख नहीं होता, हम रिएक्टिव नेशन है. मामला ये है कि अब मैं यार पिट मर गया हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, अगर हमने अब इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे काम ना किया, अगर अब हमारे लोग इनोवेटर ना हुए तो हम कहीं पे बहुत पीछे रह जाएंगे. तो वो हम अब आप देखेंगे कि वो उन लोगों के लिए जॉब्स निकलेंगी जो R&D में काम कर सकते होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते होंगे, फैक्ट्रीज के लिए, बिजनेसेस के लिए नई से नई इनोवेशन ला सकते होंगे, वो लोग बेसिकली जिनको डेटा पे काम करना है, जिनको क्रिएटिविटी पे काम करना है, जिनकी विजुअलाइजेशन बड़ी स्ट्रांग होगी, वो लोग सर्वाइव करेंगे. अब देखें, अब बात इतनी सी है कि अब अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान तो लेबर इंटेंसिव कंट्री है, ये माइंड इंटेंसिव तो कंट्री नहीं है. ये है वो अलार्मिंग सिचुएशन, ये अलार्मिंग सिचुएशन है. ठीक है, जहां पर हम आज भी ये नहीं समझ पाते कि वो टिड्डी दल आ गई है तो ओदा स्प्रे किवें करना है. ठीक है, जबकि अगर आप एग्री बिजनेस के अंदर चले जाएं और दुनिया में जाएं तो फिर AI और रोबोटिक्स ने एग्री बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया. अगर आज पाकिस्तान के अंदर AI होती तो एग्री बिजनेस सेटल्ड डाउन होता, तो ये टिड्डी दल के 10 नेचुरल हमले भी होते तो हम उसको मैनेज कर लेते, उसको कंट्रोल कर लेते. तो पता है बात क्या है, हम लोगों ने अभी उस तरफ देखा ही नहीं, लेकिन अब वो हमें देखना पड़ेगा. और दूसरी बात ये है कि जो मैं फॉर एग्जांपल जो मैं अपना मिशन लेकर चल रहा हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो है ही क्या, वो है ही यही कि भाई इस नेशन को लेबर करके कुछ नहीं मिलना. ठीक है, हमें अपने अपनी कॉम को, ये जो 64% यूथ है, इसको अब इसका दिमाग डेवलप करो, इसकी एजुकेशन जो है वो इस तरह की दो कि अब ये अपने माइंड से काम करें, अब अपने हाथों पैरों से काम करना छोड़ दें. क्योंकि अगर अब ये नहीं करेंगे तो फिर हम कहीं फिर हम फिर कॉम कोविड से मरेगी, कॉम भूख से मरेगी, और कॉम जो है वो फिर जो है उसको जब कुछ समझ नहीं आएगी तो वो फ्रस्ट्रेशन से मरेगी. तो ये तो हमें आपको मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान को पूरी एक यूथ डेवलपमेंट एमरजेंसी लगानी है अगले 2-3 सालों के लिए, कि इनको कहां पर चैनलाइज करना है. और वो सिर्फ शहरों की यूथ नहीं, वो जो पिंडों के अंदर देहातों में जो लोग बैठे ना, जो वहां पर भी 16 साल का लड़का है वो भी यूथ है, उसको भी डेवलप करना. अच्छा, ये आपने बड़ी प्यारी बात की और इसमें आपने जो इसको एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन मैं आपसे एंड पे यूथ को लेके करूंगा. जैसे कि हमारी इस वक्त सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो है वो यूथ तकरीबन 67 जो है परसेंट से ज्यादा, एग्जैक्टली 64% फिगर आ रही है, लेकिन 67 भी कई जगहों पे कहा जा रहा है. जी, 60% से ज्यादा, इतनी बड़ी यूथ है. और उसको अगर हमने आगे, जैसे कि आप कह रहे हैं और आप एक बहुत बड़े कोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगर इस कोर्स के ऊपर 10,000 बंदा भी लग जाए वो भी कम है जिस कोर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं. तो इसके ऊपर भी मैं एंड आपसे यूथ को भी लेकर जो है ना वो क्वेश्चन करूंगा, लेकिन अभी मेरा आपसे क्वेश्चन बिजनेस से रिलेटेड ही है. वो ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल बताया है कि इस वक्त COVID-19 और
4.0 की वजह से जो आगे जॉब भी खत्म होने वाली है, प्रोडक्टिविटी भी अब हमारी जो है, और आगे अब हमने दुनिया से भी मुकाबला करना है, सबसे एक्सपोर्ट के अंदर भी दुनिया से मुकाबला करना है क्या। और आईटी भी अभी हमारी जो है वो इतनी कोई जो है वो ठीक नहीं है, अभी भी ये आस्ता आस्ता इमर्जिंग मार्केट की तरफ जा रहा है। और दूसरा, इसके अलावा अगर हम अपने नेबर में देखें तो इंडिया इस वक्त आईटी की जो है वो पीक पे पहुंच चुका हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, और क्वेश्चन मेरा बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूँ, क्या इस वक्त पाकिस्तानी सीओ रेडी है फॉर आईआर के लिए और COVID-19 से लड़ने के लिए? आप क्या समझते हैं? आपको क्वेश्चन तो बहुत फिक्री है और लॉजिकल है, लेकिन क्योंकि मेरी इंटरेक्शन रोज है सेठों के साथ, सीईओज के साथ, तो देखिए रेडी रेडी होने से पहले अवेयर होना जरूरी है। अच्छा, आपकी पहले तो रेडी बात, तो आप पूछ आपको तो बात है, आपकी बर्दाश्त को जो है ना मैं वो सलाम करूंगा कि आपने जो क्योंकि वो क्वेश्चन सेटों से जिस टाइप के होते हैं मैं उनको अच्छे तरीके से अंदाजा है मुझे, तो पहले तो आपको सलाम है, उसके बाद अब आप इसका आंसर। ठीक है। देखिए बात ये है, मैं आई एम अगेन रिपीटिंग के रेड अब हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको रेडी होने से पहले अवेयर होना जरूरी है। अगर मैं सेफ बात करूं, बहुत सेफ बात करूं, और एक परसेंटेज दूं कि हर 100 में से 98% सीईओस जो हैं, 4IR क्या बला होती है, उसको पानी के साथ खाना होता है या शहद के साथ मिला के खाना होता है, वो अभी शायद हमसे पहले ये सवाल करें कि होंडा की है। ठीक है, तो बिल्कुल ये तो हो सकता है मेरा कोई क्लाइंट सुन रहा हो तो मैं उनसे माजरत किए बगैर उनको ये कह रहा हूँ कि भाई ठीक हो जाओ, खुदा दा वास्ता जी। तो मैटर क्या है कि वो हमारे ना क्या कहते हैं, हमारे खोपे इस वक्त हमारे बिजनेसमैनों के वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो इतने सेल्फ सेंटर्ड है, वो कहते हैं अच्छा नहीं चलेगा, फैक्ट्री बंद करेंगे, अपनी वेल्थ को डॉलरों में कन्वर्ट करेंगे, उसके अलावा जो है वो शेयर्स खरीदेंगे या जमीन खरीदेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट देनी है वो अपने बिजनेसेस से उतना पैसा नहीं कमाते जितना वो उनका जो देखेंगे जो यहाँ पर ये जो मिलें और बिजनेसेस और फैक्ट्रीज है ना, ये उनकी अर्निंग से वो दिखाने के लिए वो अपने उस बिजनेस को दिखाकर बैंकों से पैसा लेते हैं, उन बैंकों के पैसों को से वो शेयर्स खरीदते हैं, उससे वो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, उससे वो डॉलर्स खरीदते हैं और अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए उनकी पर्सनल जिंदगियां ही इंपॉर्टेंट हैं, लीडरशिप के जो है ना पीके वो लगने वाले हैं जो उनको नहीं लगे हुए। अब असल में या तो ये लोग सारे के सारे लीडरशिप 4.0 के लिए रेडी हों, इनकी कोचिंग हो, इनकी ट्रेनिंग्स हो, तब ये जाकर रेडी होंगे। एक तो ये, और अगर ये इस तरह से पढ़े लिखे अंदाज से रेडी नहीं होंगे तो मैंने आपको जैसे शुरू में बता दिया कि वो COVID-19 जो है ना वो इनको रेडी करवाएगा। और जितना बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस है ना हमेशा से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज एन ओडी कंसल्टेंट या मैनेजमेंट कंसल्टेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ ना, तो मुझे सेठ बुलाता ही तब है जब वो बिल्कुल फंस चुका होता है, जब उसका स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर सिस्टम्स कैप्स कर रहे होते हैं, तो या उसका बाहर का कोई क्लाइंट उससे कहता है कि इंसान दा पुत्र बन तब तुझे बिजनेस मिलेगा, तब वो बुलाता है और कन्फ्यूज होना शुरू होते हैं। तो ये ना सर ये सारी सिचुएशन है। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि पीपल आर नॉट रेडी। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बताता चलूं कि जिब्रान साहब हमारे साथ इस वक्त लाइव है, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो हम अब लाइव क्वेश्चन भी लेने जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन अपने जो हैं वो लिख सकते हैं, मैं ग्रेजुअली आपके क्वेश्चन जो हैं वो जिब्रान साहब से लाइव भी लूंगा। अभी वैसे मैं चेक कर लेता हूँ अगर कोई क्वेश्चन आए हो, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमें इस वक्त जो है वो कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम उसको जो है जिब्रान साहब से, आपके लिए लकी चांस है कि इनसे आप लाइव पूछ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बल्कि आए भी हुए हैं जिब्रान साहब, क्वेश्चन एक है गुल का, ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर न्यू बिजनेसेस। मेरे ख्याल से इन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है, लेकिन ये 4.0 को लेके जानना चाह रहे हैं कि आप इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में कि क्या नए बिजनेस होने चाहिए।
पहली चीज तो ये है कि मैं पहले तो ये सजेस्ट करूंगा कि जितनी भी हमारी जो यूथ है वो जॉब्स के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है वो मूव करे, नंबर वन. नंबर सेकंड इज दिस के राइट नाउ एज पर वन इंडेक्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान इस वक्त 137 मुल्कों में से 120वें नंबर पर है विद रिस्पेक्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप. यानी हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का जो रेट है वो बहुत निचली सतह के ऊपर है, हमें इसे ऊपर लेकर आना है तभी हम अपने लिए और दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेंगे, नंबर टू. नंबर थर्ड थिंग इज दिस के देखें जो इस वक्त जो स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्टअप्स जो हैं वो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं. कीप दिस थिंग इन माइंड कि यू हैव टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव. आप लोग जो भी बिजनेस करें वो आप किसी सर्विस से रिलेटेड करें, कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड करें, या आप इट सेल्फ कोई डिजिटल बिजनेस करें, आप लोगों को वो बिजनेस मॉडल जो है ना वो 4IR की टेक्नोलॉजीज को सामने रख कर चलानी है. मिसाल ले लेते हैं कि अगर जो एप्स हैं, मोबाइल एप्स हैं, कंप्यूटर एप्स हैं, ये जितनी एप्स हैं इस ये पूरे के पूरे अब बिजनेसेस बन गए, ठीक है. अब मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि एक इंडिया की एक मूवी आई है अपस्टार्ट के नाम से, ठीक है. वो अपस्टार्ट एक मूवी है, वो देखें, यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली नए बिजनेसेस जो टेक बिजनेसेस हैं वो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, 4.0 के जो बिजनेसेस हैं वो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं. तो कहने से मुराद मेरी ये है कि मैं अभी यहाँ पर इस वीडियो में या इस लेक्चर में मैं कोई आपको कोई एक आइडिया जो है ना वो दूं तो वो बहुत छोटी माइक्रो टॉक होगी मेरी तरफ से. मैं आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूँ और वो फ्रेमवर्क दो दे रहा हूँ कि यूथ जो है वो जॉब से निकले और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए और अपनी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव और इनोवेटिव रखते हुए जो 4IR बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हुए आप बिजनेसेस कर सकते हैं वो बिजनेसेस करें, आप तब ग्रो करेंगे, ठीक है. ये मेरा इनके लिए आंसर होगा. ठीक है जी. अच्छा एक क्वेश्चन अब आपसे, ये है मेरा क्वेश्चन ये, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे आगे जाके एक क्वेश्चन पूछूंगा यूथ को लेके, ठीक है. जैसे कि 60% प्लस से ज्यादा हमारे पास इस वक्त यूथ है, और मेरे ख्याल से कि ये राइट टाइम है कि इस वक्त जिब्रान बशीर जैसे जो हैं वो मेंटोर्स और लोग सामने आए हुए हैं, वो मार्केट को एक राह दिखा रहे हैं. इसी तरह और भी हमारे लोगों को सामने आना चाहिए और एक जो है ना इनकी पार्टी को स्टैंड देना चाहिए, इनके साथ मिलना चाहिए. मेरे ख्याल से ये राइट टाइम है क्योंकि ये यूथ के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. अच्छा जिब्रान साहब, मुझे ये बताएं कि आप हमारी यूथ को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो जो जितनी हमारी 60% प्लस इस वक्त यूथ जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद है, और मार्केट में जॉब के हालात आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक है. मेरे पास यकीन करें जिब्रान साहब, यकीन करें, अल्लाह ताला बड़ी बात से बचाए. डेली तकरीबन इतनी कॉल्स, मैसेजेस, टेक्स्ट, व्हाट्सएप आते हैं कि जी ये हमारी CV है, हमें जॉब दे दें, ये हमारी CV है, ये हमें, हम तो इस काबिल नहीं है लेकिन किसी को जॉब दें. लेकिन मैं आपको फ्रेंकली ये बताऊं कि इतना दुख होता है यूथ को देख के, इतना अच्छा उन्होंने उनकी डिग्रियां, उनकी अगर आप CV देखें तो भरी पड़ी होती हैं. तो अब चूंकि आगे और मुश्किल टाइम है हमारी यूथ के लिए, तो आप हमारी यूथ को क्या ऐसे स्किल्स उनको बताएंगे, क्या सजेस्ट ऐसा करेंगे कि जॉब उनको ढूंढना ना पड़े, उनके पास आए, या वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, या वो अपना कोई स्टार्टअप शुरू करें, या वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उनको सीखनी पड़े या सीखें वो, जिससे वो आगे अपने लिए रास्ते आसान कर सके. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन सर. सर पहली बात तो ये है कि मैं यूथ के साथ साथ यहाँ पर एड्रेस करना चाह रहा हूँ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को जहाँ पर एक्चुअली यूथ डेवलप भी हो रही होती है, ठीक है. ठीक है. तो मैं उनको भी जरा लेना चाह रहा हूँ अपनी डिस्कशन में. दुबई में इवन जहाँ पर अभी हम ये कहते हैं कि वहाँ का एजुकेशन शायद इतनी हाई क्लास नहीं है और वो और वहाँ की एजुकेशन को हम लोग कुछ नहीं समझ रहे होते, UAE की एजुकेशन को, वहाँ पर इवन अब 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है. आप इमेजिन कर लें, अब आप हमारे स्कूलों में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएं, क्या वहां पर अभी ऐसी कोई डिस्कशन हो रही है? नहीं हो रही बिल्कुल है, ठीक है. तो एक तो हमारी यूथ के साथ पहला डायलमा ये हो रहा है कि जहां से हमें एजुकेशन और स्किल्स मिलनी थी वहां पर ही इस वक्त हम 4IR के लिए रेडी नहीं बैठे हुए, ठीक है. हमारे करिकुलम उस तरह से अभी अपग्रेडेड नहीं हुए हुए, एक बात.
अब दूसरी बात जो है वो ये है कि अच्छा अब यूनिवर्सिटीज के पर्सपेक्टिव में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वो क्या है कि एक तरफ अब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अब आ गई हैं, जैसे नस्ट है, यूएमटी है, वो कुछ और है जो बीएस और एमएस रोबोटिक्स में और एआई में और इन सारी चीजों के अंदर और ब्लॉकचेन के अंदर भी कुछ चीजें करवानी शुरू हुई हैं, वो टेक्निकल साइड है, बिल्कुल करवानी और लाजमी करवानी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। बट आप कैन यू इमेजिन कि इस वक्त अब अमेरिका में बकायदा साल 1.5 साल के मास्टर्स आ गए हैं। एक मास्टर है, उसका टाइटल है मास्टर्स इन मैनेजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सीलेंट। यानी एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक है मैनेजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा वो क्या है, वो ये है कि जो अब जो टॉप लीडर्स हैं और जो कंपनी के जो टॉप मैनेजर्स हैं, उन्होंने एक्चुअली जो है वो किस तरीके से मैनेज करना है इस नए 4IR को बिजनेसेस के अंदर। तो अब वो वहां की यूथ को एक्चुअली 4IR का लीडर और 4IR का मैनेजर बना रहे हैं, उनके लिए नई जॉब्स क्रिएट करने के लिए, ठीक बहुत है। जबरदस्त। उनको उनको चेंज मैनेजमेंट सिखा रहे हैं कि अब आपके जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ मैनेजर जाएंगे और वहां पर 4IR आ रही होगी, तो हाउ यू एक्चुअली एक्ट एज अ मैनेजर एंड एज अ लीडर कि वो आप नई चीजें डिप्लॉय करवा सके ऑर्गेनाइजेशन में। इसका मतलब ये है कि वो तो अपनी यूथ को ऐसी सारी स्किल्स के लिए कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो मैं आपको इंटरनेशनल लेवल बताया और एजुकेशन सेक्टर के एंगल से बताया। अब आते हैं इस तरफ के जी, हमारी यूथ को क्या करना है। बिल्कुल ठीक हमारी यूथ को एक वक्त में एक साथ दो चीजें करनी है। है। अगर हम ये दो चीजें एक साथ इकट्ठे करेंगे, ये यूथ ग्रो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। और हो सकता है कि मेरे इस वक्त घर के बच्चे, मेरे भांजा भांजी भी ये सेशन देख रहे हो, तो मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। आपको आपको मैं एक अपने घर की एग्जाम्पल से एक चीज बताता हूँ। ठीक मैंने अपने घर के बच्चों के साथ एक सेशन शुरू किया, यूथ है, यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं वो, मैंने उनके साथ एक सेशन शुरू किया जिसके अंदर मैं उनसे कहता हूँ कि देखो मैं तुम लोगों को एक साथ दो चीजें इकट्ठे सेशंस करूंगा तुम लोगों के साथ, ठीक है। एक मैं एक साइड के ऊपर उनकी सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर रहा हूँ। सॉफ्ट है ठीक स्किल्स से मुराद क्या है, सॉफ्ट स्किल्स से मुराद है कि करेक्टर डेवलपमेंट, 7 हैबिट्स, टाइम मैनेजमेंट, मैनेजेरियल स्किल्स, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो 77 सॉफ्ट स्किल्स हैं जो अब तक आइडेंटिफाइड हुई हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी यूथ है, एक तरफ उसको अपनी इन सॉफ्ट स्किल्स को इनहांस करना है। अगर कोई और इनहांस नहीं करता तो जाएं जाएं जाकर यूट्यूब के ऊपर इन टॉपिक्स के ऊपर बेतहाशा चीजें भरी पड़ी हैं, उनको पढ़ें, उनको समझें। जब आप इन सॉफ्ट स्किल्स को एक्चुअली स्टडी कर जाते हैं ना, तो आपका दिमाग बहुत खुल जाता है, आपको एक्चुअली जिंदगी की समझ आनी शुरू हो जाती है और आप सेल्फ पिटी से निकल आते हैं, ठीक है। पता है हमारी यूथ जो है ना, वो खुद तरसी और सेल्फ पिटी में इतनी ज्यादा है, हाय साडा कुछ कर लो, असी मर गए, सानू नौकरी दे दियो, मेरे सीवी दा कुछ कर लो वरना मैं मर जाऊंगा, मैंने 10 लाख लगाकर डिग्री की थी, अब अम्मी अब्बू को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये कि अभी यूथ का सोच छोटी है। वो सोच बड़ी कब होती है, जब आपकी बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स इनहांस होती है। जब सॉफ्ट स्किल इनहांस होती है, दिमाग बड़ा सोचना शुरू कर देता है, बिग पॉजिटिव क्रिएटिव सोचना शुरू कर देता है, तो ऑटोमेटिकली आग लगनी शुरू होती है कुछ करने के लिए, ठीक है। तो एक तरफ तो मैं अपनी यूथ को ये कहूंगा कि भाई अपनी सॉफ्ट स्किल्स इनहांस करो, नंबर वन। मैं अपने 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 घर में अपने बच्चों की कह रहा हूँ, उसके अलावा मैं हर वक्त अपनी ट्रेनिंग्स में और लाइव सेशंस में, और ये सेशन भी इसलिए ही हो रहा है कि सोच पे काम करो, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करो, नंबर वन। नंबर सेकेंड इज दिस के पैरेलल जितनी 4IR की टेक्नोलॉजीज हैं, हमने तो अभी सेशन के अंदर 3, 4, 5 का नाम लिया या उनको में से कुछ डिस्कस किया है, इन टेक्नोलॉजीज में से 2 या 3 टेक्नोलॉजीज को अपनी स्पेशलिटी बनाएं, जबरदस्त। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि जी अच्छा मैं ब्लॉक चेन में काम करूंगा और ब्लॉक चेन की डेप्थ में जाऊंगा, ठीक है, उस पर तो स्पेशलिटी बना लें, ठीक है, उसके ऊपर काम शुरू करें, ठीक है। नंबर टू आप कहें कि जी मैंने सप्लाई चेन में एमएस किया था, अब मैं इंटेलिजेंट सप्लाई चेन के ऊपर अपनी स्किल सेट, अपनी कॉम्पिटेंस इनहांस करूंगा, ठीक है, उस पर काम करें।
जो एचआर के बच्चे हैं, जो एचआर की स्पेशलाइजेशन की हैं, वो कहें जी मैंने टैलेंट 4.0 के ऊपर जो है मैं अपनी स्किल्स इनहांस करूंगा, ठीक है। फिर लोग कहें कि जी मैं मैनेजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करूंगा। कोई ये कहे कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की टेक्निकल डिटेल्स के अंदर जाकर अपनी फील्ड डेवलप करूंगा, ठीक है। और फिर कोई एक कोई ऐसे लोग भी हों जो कुछ और सोचें, ये मेरा ख्वाब है, ये कोई ख्वाब है, अल्लाह करे कि कोई ऐसे लोग पैदा हों, मेरा तो ये ख्वाब है, मैंने तो ये देखा है, मैंने ये देखा है यार, हमेशा कोई और आता है और आके हमें नया आईआर देकर चला जाता है। इफ वन फर्स्ट आईआर थी, ये सेकंड आईआर था, ये थर्ड आईआर था, ये फोर्थ आईआर है, यार कभी मुस्लिम्स और कभी पाकिस्तानी 5 आईआर दें। और जब मुस्लिम्स और पाकिस्तानी 5 आईआर दें तो उसके लिए जरूरी ये है कि फिर लीडरशिप अपने अंदर इनहांस करें, अपनी क्रिएटिविटी इनहांस करें, अपना विजन इनहांस करें और ये कहें यार हम भी इनोवेटिव होकर इससे आगे भी कुछ दे सकते हैं। तो जब हम अब इस तरह से सोचना शुरू करेंगे ना सर, तो तभी ये यूथ आगे बढ़ेगी। ये यूथ इतनी ज्यादा है, अगर ये चैनलाइज्ड हो गई, अगर इसकी सॉफ्ट स्किल्स ठीक हो गई, अगर इसकी टेक्निकल स्किल्स ठीक हो गई, तो आप देखें ये मुल्क जाता कहां जाता। बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्वेश्चन भी साथ क्वेश्चन और कमेंट्स काफी आए हुए हैं, मैं इसमें से अच्छा वाला क्वेश्चन उठाऊंगा ताकि जो है ना हमारा टाइम जो है कीमती टाइम जो हमने आपसे लिया हुआ है वो वैल्यूएबल हो सके। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा है, मिस अमारा तबस्सुम ने क्वेश्चन किया है, लाइव क्वेश्चन किया है, वो ये पूछना चाह रही है सर योर रिसर्च स्किल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, प्लीज गाइड अस अ फ्यू टिप्स हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर रिसर्च and reading skills so we can survive during and after this COVID-19 के हवाले से pandemic and be a part of VIR। मतलब वो ये जानना चाह रही हैं कि रिसर्च को कैसे बेहतर किया जाए, इन स्किल्स को कैसे मजीद बेहतर किया जाए, अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे बेहतर करते हुए इस जो COVID-19 के जो सिचुएशन एक चल रही है उसमें हम जो है 4IR का पार्ट भी बन सके। लेकिन जो मैं आंसर करने लगा हूँ ना, ये थ्रेटिकली कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि लेकिन मैंने थ्रू आउट अपनी जिंदगी में जो अपनी रिसर्च और अपनी जो स्टडीज हैं उनको किस तरह से इनहांस किया, वो ये था कि पहली बात तो ये कि अपनी जात के साथ अकेला बैठना भी सीखें, ठीक है, जिसको हम मी टाइम कहते हैं। जब आप अपनी जात के साथ अकेला बैठते हैं ना तो फिर कुछ सवाल किया करें, कोई भी जिंदगी के दो डिफरेंट पॉइंट्स को पकड़ लें और उनको आपस में रिलेट करने का सोचें कि यार अच्छा मिसाल के तौर के ऊपर गर्मी के महीने का रिटेल इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ सकता है। अब एक सवाल है ना, अब आपका एक इधर से वेरिएबल आया, एक उधर से वेरिएबल आया, आपने सोच लिया, ठीक है, आपने सोच लिया अच्छा यार COVID-19 का और 4IR का आपस में क्या ताल्लुक बन सकता है, सोच लिया। इसी तरीके से आप सबसे पहले अपने दिमाग में कुछ हाइपोथेसिस डेवलप करें या कोई क्वेश्चंस डेवलप करें। ये क्वेश्चंस जो है ना, ये पहला ट्रिगर पॉइंट होता है जो आप अकेले बैठ के सोचते हैं, यहां से आपकी रिसर्च शुरू होती है। इन सवालों को एक्चुअली फिर जब आप लोगों से पूछना शुरू करते हैं, गूगल पर डालना शुरू करते हैं और फिर आपके सामने जो है वो रीडिंग मटीरियल आना शुरू होता है ना, तो तब आपको आप की रिसर्च की समझ आनी शुरू हो जाती है कि अच्छा यार असल में अगर आपको नॉलेज चाहिए ना तो पहले आपको सवाल करना है, और सवाल करने के लिए दो मुख्तलिफ बातों को रिलेट करके फिर सवाल करें। वो आप बेशक गूगल से करें, आपको पता चलेगा उस चीज के ऊपर इतनी रिसर्चेज हुई है, इतना मटेरियल मौजूद है, आप उस मटेरियल को पढ़ना शुरू करते हैं, आप मटेरियल को पढ़ते जाते हैं, आपकी नई से नई थॉट्स बनती जाती हैं और नए सवाल पैदा होते चले जाते हैं। ये एक टिप है। दूसरी छोटी सी टिप जो है वो ये है कि अपनी जो रीडिंग हैबिट है ना उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, और अगर आपकी रीडिंग हैबिट ठीक नहीं है तो फिर लिसनिंग हैबिट बढ़ाएं। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो उसी चीज को जिसको आप गूगल पे जाकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको वो पढ़ने का मजा नहीं आ रहा उसी सवाल को जाके यूट्यूब पे लिख दें और चीजों को सुनना शुरू कर दें, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि नॉलेज गेन करना,
वो आप किसी भी मीडियम से कर सकते हैं। तो ये वो वे आउट है जिससे आपकी रिसर्च का और आपका नॉलेज बढ़ता है। जबरदस्त। अच्छा उम्मीद है कि इनको जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो उनको उनका आंसर मिल गया होगा, बड़ा डिटेल में आपने जो है ना उनका आंसर दिया। अच्छा अब हमारे पास एक्चुअली व्यूअर्स टाइम जरा कम है और सिर्फ हमारे पास 2 से 3 मिनट रह गए हैं इस शो के लिए। मैं जिब्रान साहब आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो है हमारे स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जैसे कि आपने बताया कि उस तरीके से उसके अंदर वो अपना अमल दखल नहीं कर पा रहे, तो आप कम से कम इन स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को भी कोई एक छोटा सा इनको कोई सजेशन दे दें या कोई आइडिया दे दें कि इससे नो डाउट इनको भी फायदा होगा, खाली यूथ को फायदा नहीं होगा, ऑब्वियसली इनको भी फायदा होगा, ठीक है, इनके लिए भी लोग फिर उस तरीके से जो है इनके पास इनरोलमेंट्स या इनके, क्योंकि अब तो आपके सामने सब ऑनलाइन की तरफ चीजें जा रही हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे ये जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वालों को कि वो किस तरीके से इस सिस्टम को लेकर आए, क्योंकि इनके पास अभी तो उस हिसाब से इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, और अगर इंस्ट्रक्टर है तो वो अवेलेबल ही नहीं है, वो क्या कहते हैं अपनी उनके पास इतने प्रोजेक्ट हैं इतना कुछ है वो उसमें से निकल ही नहीं पाते, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये फिर कैसे होगा, क्या बाहर से एलियन आएंगे हमें पढ़ाने के लिए, मतलब कैसे हो सकता है ये? इसका बड़ा स्ट्रेट आंसर है, 4IR बेस्ड TTT कराया जाए, ठीक है, यानी 4IR बेस्ड ट्रेन द टीचर या ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स कराए जाए, ठीक है। जितने भी यूनिवर्सिटीज, देखें यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कोई कमरों से या वहाँ के ग्राउंड से नहीं बनती हैं, इन दी एंड वहाँ की फैकल्टी से ही बनती हैं, फैकल्टी ही आगे प्रोड्यूस करते हैं फर्दर आगे मजीद और स्टूडेंट्स। तो मसला ये है कि हमारा जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, जो ट्रेनर है, उनकी एक्चुअली माइंडसेट जो है वो अब डेवलप होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू 4IR, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए यूनिवर्सिटीज को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने एक साथ जो है वो 10,000 स्टूडेंट्स पे जो इन्वेस्ट करना है वो ना करें, अगर आप बेसिकली उससे कम करके 50 अपने प्रोफेसर्स पे इन्वेस्ट कर देना और उनका एक्चुअली 4IR के ऊपर उनकी थिंकिंग को अपग्रेड करें, ठीक है, और वो आप बेसिकली बाहर से लोगों को बुलाकर या ऑनलाइन वेबिनार्स करवा कर जो है उनको डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर तैयार करें, ताकि वो जो प्रोफेसर्स हैं वो फिर नीचे अपने नॉलेज को कैस्केड करना शुरू करें अपने स्टूडेंट्स के अंदर। एक तो ये टेक्निक है जो यूनिवर्सिटीज को ऑप्ट करनी चाहिए, और इसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन को भी बहुत अब काम करने की जरूरत है, नंबर वन। नंबर सेकंड इज दिस कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो अक्सर प्रोफेसर्स को और टीचर्स को बकायदा उनकी रिसर्चेस के पॉइंट्स भी असाइन करता है कि जी तुमने इतने पेपर्स लिखने हैं या तुमने इतनी रिसर्चेस करनी है, तो वो जो पुरानी थेरीज के ऊपर जो काले कागज करते हैं ना हमारे प्रोफेसर्स, वो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट साइंसेज में आज भी मैं इतना यार तंग हूँ इस टॉपिक से, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल का क्या इम्पैक्ट है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर, वो जो पुराने टॉपिक्स हैं हम उन्हीं पर ही रिसर्चेस करते जाएंगे। द मैटर इज दिस कि अपने जो प्रोफेसर्स हैं और टीचर्स हैं ना, उनके पेपर्स को न्यू टेक्नोलॉजी और 4IR से लिंक करवा के उनसे पेपर्स, रिसर्च पेपर्स लिखवाए जाएं, स्टूडेंट से रिसर्च पेपर्स लिखवाए जाएं, और इस तरह की जो डिस्कशंस हैं उनको यूनिवर्सिटीज अपने YouTube चैनल्स के ऊपर और अपनी थॉट लीडरशिप चैनल्स के ऊपर जो है ना वो आम करें। ये वो दूसरा वे आउट है कि यूनिवर्सिटीज इस तरीके से इस नई सारी डायनामिक्स के अंदर अपना रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त आपने आंसर दिए। हमारे जो है वो शो का टाइम तकरीबन खत्म हो चुका है, और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने जो है अपने तमाम व्यूअर्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, PNY ट्रेनिंग्स की तरफ से आपका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स को टाइम दिया, और मुझे स्पेशली आपसे बहुत कुछ सीखने को पहले भी मिला था और आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा बहुत शुक्रिया। लास्ट एक मैसेज, कोई एक लास्ट मैसेज हमारी यूथ के लिए और हमारे बिजनेसेस के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए, चलिए सारों के लिए, सारों के लिए एक मैसेज है, सारों के लिए टॉप टू बॉटम, ठीक है। एक टर्म है काइजन, KAIZEN, जिसका मतलब है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है।
वो कॉन्सेप्ट ये है कि अपने आज को अपने गुजरे हुए कल से बेहतर बनाएं और अपने आने वाले कल को अपने आज से बेहतर बनाएं। तो ये जो हम जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं ना, ये सारा कुछ बेहतरी की तरफ ही जाना है ना। अब आप पहले कुछ थे, आज कुछ हैं, कल कुछ और हैं, तो अपने आप को चेंज के लिए रेडी रखें और इम्प्रूवमेंट के लिए रेडी रखें। क्योंकि यही एक हदीस है कि खसारे में रहा वो शख्स जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। तो कीप चेंजिंग, क्योंकि चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट ऑन दिस ग्लोब। तो इसको समझ जाएं और अपने आप को अपग्रेड करते जाएं, यही मैसेज। बहुत बहुत प्यारा मैसेज आपने दिया है, और यकीन करें अगर हम सब इस चीज को अगर अडॉप्ट कर ले तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरक्की को कोई रोक सकता है। अगर हर बंदा, हर फर्द वाहद, हर स्टूडेंट, हर बिजनेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर ले और अपनी नॉलेज को, स्किल को और अपनी आने वाले नई से नई टेक्नोलॉजी को चेंज करना शुरू कर दे, उसको ग्रिप करना शुरू कर दे ट्रेनिंग लेके या किसी भी सोर्स से, कोई भी सोर्स हो सकता है, तो मेरे नहीं ख्याल से कि पाकिस्तान की तरक्की को और इंडिविजुअल तरक्की को कोई रोक सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें देखा। और मैं ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को मैक्सिमम लोगों तक वो लोग शेयर करें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपको रियल टाइम ना तो यूनिवर्सिटीज में बताई जाती हैं, ना ही रियल टाइम आपको डिस्कशन में मिलती है। ये जिब्रान साहब ने स्पेशली जो है हमारी रिक्वेस्ट पे ये टाइम दिया है, और जिब्रान साहब आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, अपना इतना कीमती टाइम दिया। और व्यूअर्स आप लोगों का भी शुक्रिया, और इन द एंड जो है हम इंशाल्लाह पीएनवी ट्रेनिंग नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ आप लोगों के पास इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।